गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में आपके चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में वर्क को पढ़ा था, ठीक है। हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा था। वर्क का फार्मूला हमको क्या मिला था, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। हमें वर्क का फार्मूला मिला था और इसकी यूनिट क्या मिली थी हमको, यूनिट मिली थी इसकी जूल। इस फार्मूले में एफ फोर्स है जो कि कांस्टेंट फोर्स है, जिस फोर्स से आप किसी चीज़ को धक्का देते हो, और डी डिस्प्लेसमेंट है, जितना दूरी वो ऑब्जेक्ट जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक। इसकी एक अनादर यूनिट न्यूटन मीटर भी आएगी वर्क की। तो आपने देखा कि जो वर्क है, वर्क एक तरीके से एनर्जी है। आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी आप समझते हो कि एनर्जी क्या है। एनर्जी एक मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू ही आप वर्क कर पाते हो। जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी है जब आप खड़े रह सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप खेल सकते हो। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इवन हाथ भी नहीं हिला सकते। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कोई पेशेंट जब होता है और बहुत दिन से खाना नहीं खाता, तो उसके लिए हाथ की एक उंगली हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? तब आप कहते हैं इसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। यानी एनर्जी ही वो चीज़ है जिसके द्वारा आप वर्क करते हो। आप वर्क करो या आपकी मशीन वर्क करे, कोई भी चीज़ वर्क करे, कोई भी एजेंट वर्क करे फिजिक्स में, उसे कहीं ना कहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ट्यूबवेल की मोटर है, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और लास्ट में हमें फिजिकल फॉर्म में वर्क मिलता है कि नीचे का पानी काफ़ी हाइट पे वो फेंक देता है। आप देखो, ऐसे ही ट्रैक्टर आपके चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, कहाँ से मिलती है एनर्जी, डीजल या पेट्रोल के कम्बशन से मिलती है। यानी केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल एंड पेट्रोल गेट कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी, एंड हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड फाइनली वी गेट वर्क फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे से तीसरे फॉर्म में, और एट द एंड यूजफुल वर्क के फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वर्क हो रहा है वो एनर्जी ही वर्क के फॉर्म में अपीयर हो रही है। विदाउट एनर्जी वर्क आपको नहीं मिलेगा। तो इन अ शॉर्ट आपको इतना पता पड़ रहा कि वर्क की जो यूनिट है वही यूनिट एनर्जी की होगी, क्योंकि एनर्जी ही वर्क के फॉर्म में अपीयर हो जाती है। लास्ट स्टेज क्या है एनर्जी की, किसी न किसी वर्क के फॉर्म में अपीयर होगी, अदरवाइज वो फॉर्म चेंज करती रहती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप चाहो बल्ब जलाओ, लाइट एनर्जी मिल जाएगी आपको, क्योंकि लाइट भी एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप चाहो तो हीटर स्टार्ट करो, आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आप लाउड स्पीकर चलाओ, आपको साउंड एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। यानी एक ही एनर्जी अनेक फॉर्म अक्वायर कर लेती है, और लास्ट में अगर हम इसी एनर्जी को यूजफुल वर्क में लें, ठीक है, JCB आप चलाओ, अगर वहाँ पर आपको डीजल या पेट्रोल की एनर्जी मिलती है, बहुत सारे मोटर होते हैं जिनके द्वारा वर्क होता है, ड्रिल मशीन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैकेनिकल फॉर्म अक्वायर करती है, और हमें फिजिकल फॉर्म में वर्क मिलता है। तो इन अ शॉर्ट, वर्क एंड एनर्जी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, और ये कह सकते हो कि एक तरीके की एक वर्क ही एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी ही वर्क का फॉर्म है, आप ऐसा मान सकते हो। अब एनर्जी के अंतर्गत आप देखोगे तो दो तरीके के एनर्जी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, एक मैकेनिकल है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जिससे हमें यूजफुल वर्क मिलता है, जो हमें मैकेनिक्स में, इन शॉर्ट आप समझ लो जो मशीन में यूज होती है, मशीन के थ्रू हमें जितना वर्क मिलता है उसे आप इन शॉर्ट समझो मैकेनिकल एनर्जी, उससे डिलीवर हो रही है। अब फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्म में अपीयर होगी, एक फॉर्म होगा आपका पोटेंशियल और एक होगा काइनेटिक। काइनेटिक यानी कोई चीज़ मोशन में है
और अचानक उसको रोको, जब वो रुकेगी तो आपको कोई ना कोई वर्क दे जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल है काइनेटिक का कि आप एक पत्थर मारो बहुत ज़ोर से कांच में और कांच टूट जाएगा। कांच टूट गया तो ये भी वर्क हुआ, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट ने उसको हिट किया तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका यूजफुल वर्क कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ वर्क करती है, आप हाइट से हथौड़ा गिराते हो चट्टान में और चट्टान टूट जाती है, तो आप कहोगे सर इसमें तो काइनेटिक एनर्जी हुई क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट तोड़ रहा है, लेकिन आप छोड़ देते हो सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से, आपने तो वेलोसिटी दी नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी है। आप जब उसको ऊपर ले जाते हो तो आपने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हुआ, स्टोर हो गया, और जब आप उसको सिंपली छोड़ देते हो तो पोटेंशियल एनर्जी ही खर्च होती है और बदले में काइनेटिक मिलती जाती है आपको। तो कहीं ना कहीं एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओ, एक चट्टान को ऊपर ले जाओ, पहाड़ के ले जाने में आप वर्क करोगे, फिजिकल वर्क करोगे, और लास्ट में जब आप उसको छोड़ दोगे तो वर्क आपका क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कैसे पता पड़ा स्टोर हो गया, आप उसको छोड़ दो रोल डाउन होने के लिए, वो चट्टान पहाड़ से लुढ़केगी और नीचे बहुत बड़ी दीवार अगर है उस दीवार को गिरा सकती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हैमरिंग के थ्रू दीवार को तोड़ते हैं, तो हैमरिंग के लिए पहले हैमर को उठाते हैं ऊपर तो मैकेनिकल वर्क आप करते हो, और जब आप उसको नीचे गिराते हो तो माना आप कुछ फोर्स लगाते हो लेकिन ज़्यादातर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के कारण होता है। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहती है, और अदर फॉर्म एनर्जी के तो हैं ही जो चेंज होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो सकती है, हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो सकती है, साउंड एनर्जी में चेंज हो सकती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को और भी बहुत सारे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, इवन आप बैटरी चार्ज करते हैं जब, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज होती है, और जब आप बैटरी से करंट लेते हैं तो केमिकल एनर्जी होती, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में चेंज होती है, ठीक है। आप लकड़ी जलाते हो तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होती है। तो इस तरीके से आप देखते हो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वी यूज दोज फॉर्म इन अ पर्टिकुलर वर्क। एनर्जी से ही वर्क पॉसिबल है, अगर एनर्जी नहीं होगी आप चल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते हो। आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। आप फूड इनटेक करते हो, भोजन लेते हो, और वो भोजन आपके पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है, और वहाँ केमिकल चेंजेज होते हैं, बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। आपका जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उनके बीच की एनर्जी रिलीज होती है और वो आपकी बॉडी सेल्स को मिलती है। और आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, जब आप वर्क करते होते बॉडी सेल्स भी ब्रेक होते जाते हैं और उनमें स्टोर एनर्जी आपको मिलती है, आपकी मसल्स को मिलती है और ओवरऑल बॉडी को मिलती है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हो। और जब ये मसल्स के अंदर के सेल्स ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं, यानी उनके एनर्जी सफिशियंट खर्च हो जाती है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम होती है और अगेन आपको लगता है कि आपकी भोजन की ज़रूरत है, आप फिर से भोजन करते हो। तो इन शॉर्ट एनर्जी चेंज होती रहती है, एनर्जी ही वर्क करती है। फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी है। अभी अब हम देखेंगे वर्क का फार्मूला है W=F×D, ये काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला V²=U²+2AF, तो आप लिख सकते हो V²-U²=2AF या F=V²-U²/2A। अभी F क्या है, F एक डिस्टेंस है, तो आप लिख सकते हो F=D। आप यहाँ पे W=F×D, F×D की जगह F×F लिख सकते हैं। F=MA होता है तो W=MA×F की वैल्यू क्या निकाली हमने, F की वैल्यू हमने निकाली है
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, आपका ए से ए कैंसिल हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम अपॉन टू, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन अ शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर जीरो हो, यानी कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, और उस पर फोर्स लगाया टी टाइम के लिए, तो वेलोसिटी वी हो गई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। कब मिलेगा, जब आपका u इज इक्वल टू जीरो हो। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वर्क के इक्वल प्रूव हो गया। तो ये साफ साफ पता पड़ता है कि वर्क का फार्मूला है एफ इंटू डी, और यहीं वर्क इज इक्वल टू एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आया। इसी से पता पड़ता है दोनों की यूनिट भी सेम होगी। इसी फार्मूले से हमें पता पड़ता है कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम, यानी वर्क एनर्जी का ही फॉर्म है, एनर्जी से ही पॉसिबल है। तो बेटा इस तरीके से हमने वर्क एंड एनर्जी पढ़ा आज के लेक्चर में, इनके बीच रिलेशन पढ़ा, और ये फार्मूला बहुत यूजफुल है आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।